हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो आपका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। जैसा कि दोस्तों अभी 7, 8 और 9 सितंबर 2021 को आपका ICAR UG का पेपर आयोजित किया गया था। एंड दोस्तों पेपर देने बाद में आप सबके माइंड में ये चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पे कॉलेज मिलने वाले, तो ये सब कुछ डाउट मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ ऑथेंटिक रूप से, मान के चलना कि लगभग 100% इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों अपन इसमें कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट से मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, मान जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेगा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों चलते हैं अपन इसकी जो ऑफिशियल साइट है, देखो ऑफिशियल साइट दे रखी है आपको ICAR NTA.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है ICAR की। यहाँ पे आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अपन नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, देखिए दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ICAR एडमिट कार्ड AIEE PGN, दोस्तों ये है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिट कार्ड था। एंड दोस्तों नीचे वाला है GRF SRF के लिए, PhD के लिए 2021 के लिए एडमिट कार्ड है, क्योंकि दोस्तों अभी इनका एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे कि जैसे इस तरह दो ऐसे ऑप्शन दे रखे दोस्तों, इसी तरह यहाँ पे भी एक लिंक दे रखा हो जिसमें दोस्तों आपका आंसर की एंड दोस्तों आपको रिजल्ट के बारे में आपका दिया होगा, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ जारी नहीं किया गया। एंड रिजल्ट आंसर की कब आएगी वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक है आपको विद में आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा अगले ICAR NTA के द्वारा जो भी बात होती है हेड ऑफिस में वहाँ की सुनाऊंगा मैं कि आंसर किया एंड रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो बात करते हैं अपन कट ऑफ के बारे में कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों चलते हैं कट ऑफ पर। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ICAR UG 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी दोस्तों जिसने भी BSc में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दिया है उसकी दोस्तों क्या कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों ICAR में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दोस्तों BSc एग्रीकल्चर का अलग से होता है, दोस्तों फॉरेस्ट्री का अलग से होता है, हॉर्टिकल्चर का अलग से होते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी के अलग से होते हैं, एंड दोस्तों जो प्लांट ब्रीडिंग वाले अलग से होते हैं। तो दोस्तों इस तरह हर एक कोर्स का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में वो कट ऑफ बताने वाला हूँ जो सभी कोर्सों को मिला के ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाली है, या दोस्तों कि अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों आप कौन ना कोई आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसके अगले वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से दोस्तों जैसे फॉरेस्ट्री में कितनी कट ऑफ जाएगी, हॉर्टिकल्चर में कितनी जाएगी, BSc एग्रीकल्चर कितने नंबर मिलेगी, कौन सी कॉलेज में कितनी कट ऑफ रहने वाले, वो दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा भी डिस्क्राइब लाइव के साथ में। तो दोस्तों इस आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो व्यू किया है दोस्तों, वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इतना सर्वे करके आपके लिए कट ऑफ लाते हैं, दोस्तों आप मेहनत से इतना करते दोस्तों आपको इतना आप हमारे लिए जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए अगले इसमें पॉइंट दे रखा है कि कितने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगी, एंड इस बार सभी को कॉलेज मिलने वाली या आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस बार सभी कॉलेज मिलेगी जिसने भी अच्छा पेपर किया है, अच्छे से पेपर किया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ICAR एक ऐसी चीज़ होती है जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी कॉलेज होती हैं। एंड दोस्तों कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कम, यानी दोस्तों मैं मान के चलता हूँ दोस्तों जिसके भी 150 या 160 नंबर आते हैं उसको भी कोई ना कोई कोर्स मिल जाता है BSc के अंडर के अंदर। तो दोस्तों अपन चलते हैं कट ऑफ पर। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल और ओबीसी कैटेगरी बात करते हैं। देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी दोस्तों कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट के जो बंदा जनरल ओबीसी से ICAR का एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, उस स्टूडेंट के अगर 600 में से एंड 600 में से अगर दोस्तों उसके 320 से 340 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों उसको BSc में कोई सा भी कोर्स मिल सकता है। एंड दोस्तों मैं मांग के चलता हूँ 320 या 340 वाले दोस्तों को ना अच्छा कोर्स मिल जाएगा, बेस्ट कोर्स उसको मिल जाएगा। अगर इस इनके बीच में 320 से 340 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, अगर जैसे 321 आ रहे हैं, 325 आ रहे हैं, 330 आ रहे हैं, 331 आ रहे हैं, 332 आ रहे हैं, दोस्तों इस प्रकार से इस रेंज के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं आपके, तो दोस्तों आपको कोई सा भी कोर्स आपको मिल जाएगा BSc के अंडर में। ये दोस्तों मैंने जो कट ऑफ बताया दोस्तों मान के चलना दोस्तों 100% दोस्तों इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने स्टूडेंट सर्वे करने के बाद में एंड दोस्तों पिछले साल कट ऑफ देखने के बाद में ये मैंने डिसाइड किया है कि इस बार ये इस अगर इतने नंबर आते हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगले वीडियो बताऊंगा कि आपको BSc एग्रीकल्चर कितने नंबर पे मिलने वाला है, हॉर्टिकल्चर कितने नंबर मिलेगा, फॉरेस्ट्री कितने मिलेगी, डेयरी टेक्नोलॉजी कितने मिलेगी, ये सब कुछ अगले वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाऊँ ओवरऑल कट ऑफ का कि देखिए दोस्तों की पर्टिकुलर जो है कोर्स का वीडियो बनाने से पहले स्टूडेंट को यह तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मुझे कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ठीक है चलते हैं अगले दिन, मैं अगली बात करता हूँ EWS कैटेगरी की।
देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट जनरल से EWS कैटेगरी से फॉर्म भरा है, अगर दोस्तों उसके 310 से 325 यानी 310 में से 325 के बीच में अगर नंबर मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों उसको कोई ना कोई कॉलेज या कोर्स मिल जाएगा, ये 100% है। देखिए दोस्तों, अगली कैटेगरी अपन SC की बात करते हैं। देखिए SC कैटेगरी में जिसके भी 600 में से जिस भी स्टूडेंट के 600 में से अगर 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं तो उसको BSc में कोई ना कोर्स या कॉलेज मिल जाएगी, 100% दोस्तों, बिल्कुल नो टेंशन रहना आप, आपको कॉलेज निश्चित मिलेगी। अरे दोस्तों, लास्ट कैटेगरी है ST में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ST में 270 से 290 आपकी कट ऑफ रहने वाली हैं, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई ना कोई कोर्स या आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डोंट वेरी। एंड दोस्तों, मैं अगले वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा एंड उसमें लाइव आऊँगा, तो दोस्तों आप सभी लाइव से जुड़िए एंड आपका हर एक डाउट ICR से रिलेटेड मैं हर डाउट क्लियर कर दूँगा कि कितनी कॉलेज हैं, कितने नंबर पर कौन सी कॉलेज मिलेगी, कितने कोर्स है, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कैसे फॉर्म भरना है, कब रिजल्ट आने वाला है, कब आंसर की आने वाली है, ये सब कुछ दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एंड दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से आपके पास पहुँच सके एंड आप मुझसे लाइव जुड़ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके आंसर किए रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।